हेलो दोस्तों, कुक विद मनु पर आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंस्टेंट और क्विक सा पोहा और बहुत ही डिलीशियस सा भी। तो देखिए कितना टेस्टी ये पोहा जो है दिखाई दे रहा है। तो बिना देर किए हुए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोहे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 1 कप के बराबर जो है पोहे लिए हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मैंने साफ करके रख लिया है और अब हम इन्हें करने वाले हैं वॉश। तो ये जो नॉर्मल पोहे बनाने के लिए पोहे हम लाते हैं वही वाले लिए हैं। इससे एक पतले वाले भी आते हैं, वो हमें नहीं लेना है, हमें ये नॉर्मल साइज वाले ही लेने हैं। तो चलिए अब 2-3 बार हम इन्हें अच्छी तरीके से धो लेते हैं। पोहे को हमें इसी तरह किसी भी छन्नी में धो करके रखना चाहिए जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं होता, पोहा ज़्यादा गलता नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह 2 मिनट तक पोहे को धो लिया है हल्का सा हाथों से मसलते हुए। तो अब हम इस पोहे को 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पीनट लिए हैं लगभग 3 बड़े चम्मच जितने। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ये छोटी वाली हरी मिर्चें हैं और लाल मिर्च हम नहीं डालते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। और अब एक बाउल में मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी कम खड़ा धनिया, 1/4 चम्मच जितना सौंफ, 1/4 चम्मच जितना ही लिया है मैंने जीरा और 1/4 चम्मच जितना ही हमें लेना है सरसों। तो टोटल करके ये 1 छोटा चम्मच जितना होना चाहिए। इन सभी का फ्लेवर जो है पोहे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है, पर सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमें कम रखनी है। मैं पोहे सिर्फ 2 प्लेट बना रही हूँ इसीलिए मैंने क्वांटिटी इस हिसाब से रखी है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 पिंच लगभग 1/4 छोटा चम्मच जितनी हमें हल्दी भी ले लेनी है। तो अब हम यहाँ पे हरी मिर्चें कट कर लेते हैं। तो हरी मिर्च को हमें इस तरीके से कट करना चाहिए सीजर की हेल्प से, जिससे कि हमारे हाथों में जलन भी नहीं होती है और जो मिर्चें हैं वो बहुत ही अच्छी कट भी जाती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने मिर्चें भी कट करके रेडी कर ली हैं। पोहे को रखे हुए भी 3 मिनट हो चुके हैं। तो पोहा अब फूल गया है, तो इसे हम इस तरीके से थोड़ा टैप कर देंगे जिससे कि पोहा जो है बिल्कुल खिला खिला हो जाएगा। तो देखिए हल्के हाथों से भी इसे इस तरीके से कर लेते हैं, परफेक्टली खिला खिला पोहा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो मैंने 3/4 छोटा चम्मच जितना नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और 1 चम्मच जो है मैंने डाल दी इसमें शक्कर और 1/2 चम्मच और, तो 1.5 छोटे चम्मच जो है मैंने इसमें शक्कर डाली है। बिल्कुल हल्के हाथों से मिला देना है, आप चाहें तो टैप करके भी मिला सकते हैं, पर जो नमक है वो और शक्कर जो है छन्नी से निकल भी सकती है, इसीलिए बिल्कुल हल्का सा मिलाएं, वो रखे रखे धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। तो अब बनाना हम शुरू करते हैं। तो पोहा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप किसी भी कढ़ाई में से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच जितना तेल डाला है और इसमें मैं ये पीनट डाल दूंगी। पीनट को हमें इस तरीके से रोस्ट करना है, आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं बिना तेल के भी, वो भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। तो 2-3 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें पीनट को, मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर लेना है जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया जो है क्रंच आता है। तो यहाँ देखिए ये परफेक्टली हो गई है फ्राई। अब मैंने वापस निकाल लेती हूँ, तो सारी पीनट मैंने निकाल ली है और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जितना ही ऑयल मैंने फिर से डाल लिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और ये जो हमने सौंफ, जीरा, खड़ा धनिया और राई रखी थी इसे डाल देंगे। इसके साथ ही हम कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, मिला लेंगे। हल्का सा हरी मिर्चों को हमें 1 से 2 मिनट फ्राई करना है और इसके तुरंत बाद ही हमें 1/2 छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालना है। ध्यान रखिए हल्दी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल 10 सेकंड हमें इसे चलाना है और इसके बाद तुरंत हमें इसमें पोहा डाल देना है ना। बिल्कुल परफेक्टली ईजी सा पोहा बनाने का तरीका। इसमें हम अनियन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही आलू यूज़ कर रहे हैं। एकदम क्विक बनने वाला पोहा है और बहुत ही टेस्टी बनता है।
जो मार्केट वाला पोहा होता है वो कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती, बहुत ही सिंपल तरीके से उसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने करी लीव्स नहीं डाली हैं, यदि आपके पास हैं करी लीव्स तो आप ज़रूर डालें हरी मिर्चों के साथ ही। और अब मैं इसमें धनिया पत्ता कट करके डाल देती हूँ। अच्छी तरह मैंने पोहे को मिला लिया है। तो धनिया पत्ता का जो स्टेम वाला पार्ट होता है उसमें रियल टेस्ट होता है, इसीलिए थोड़ा स्टेम वाला पार्ट भी हमें सब्जी में डालना चाहिए। आधे पीनट मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, बाकी के मैंने गार्निशिंग के लिए रखे हैं। आप पूरे ऊपर से जो है प्लेट में गार्निशिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वो दिखते भी हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल क्रंची रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, बिल्कुल हल्का सा डालना है क्योंकि फ्लेवर इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल 5 मिनट से भी कम टाइम इसका कुकिंग टाइम है, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाले हैं ये। तो गैस का फ्लेम मैंने धनिया पत्ता डालने के बाद ही बंद कर दिया था और अब हम इन्हें कर लेते हैं सर्व। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंपल से पोहे की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही क्विक है, झटपट है, बस प्रिपरेशन का टाइम लगेगा, 10 मिनट के अंदर हमारा पोहा बनकर के रेडी हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, जब आपके यहाँ गेस्ट आ जाए तब भी बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट सा पोहा बनकर के रेडी हो गया है। ये जो पीनट मैंने रखे हुए थे इन्हें ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं। आप चाहें तो सिंपली ड्राई रोस्ट करके भी पीनट यूज़ कर सकते हैं, पर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो उसका जो क्रंच है और टेस्ट है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैंने ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया है और मैं यहाँ पे ये लॉन्ग सेव डाल रही हूँ। आपके पास यदि नमकीन है, आपको नमकीन पसंद है तो आप वो डालिए और बनाइए और सर्व कीजिए, साथ ही में इसे इंजॉय भी कीजिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंपल से पोहे की रेसिपी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं कुक विद मनु पर। थैंक यू।